This is Ankush from Triple S, and once again I welcome you all in the another lecture in modern history. And today we'll be discussing part two of Gandhian era. Okay. तो हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें पार्ट वन जो है गांधी नरा का डिस्कस दिस्क, किया था ठीक है जिसमें मेनली जब गांधी जी की एंट्री होती है तो गांधी जी ने कौन से एजुकेशन जो है वो स्टार्ट किए कौन सी बैटल्स जो है अगेंस्ट ब्रिटिश स्टार्ट की तो दी वेरी फर्स्ट वी रेड वॉज चंपरन चंपरन हैपनड इन 1917 ठीक है उसके बाद होती है जी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक विच हैपन इन 1918 एंड द थर्ड वन इज़ खेड़ा जो अभी हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो खेड़ा भी जो है ये आपकी 1918 में ही हुई थी ठीक है तो अहमदाबाद और खेड़ा का जो टाइम पीरियड है वो 1918 ही है ठीक है तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है काफ़ी बार क्रोनोलॉजी पूछी जाती है चंपरन की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है ठीक है क्रोनोलॉजी पूछी जाती है चंपरन की अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की और खेड़ा की कि पहले कौन सा हुआ था बाद में कौन सा हुआ था ठीक है तो सबसे पहले हुआ था चंपरन फिर हुआ था अहमदाबाद उसके फिर बाद में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह ठीक है तो ये आप याद रखिएगा ये चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में ठीक है तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं खेड़ा के बारे में ओके तो खेड़ा हैपन इन नाइनटीन जैसे हमने अभी डिस्कस किया ओके खेड़ा जो है बेसिकली जगह है अहमदाबाद में ओके तो इसमें क्या हुआ था देखिए जो खेड़ा जो जगह थी अहमदाबाद में जो कि उस टाइम पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आती थी तो जो खेड़ा का जो लैंड था वो काफ़ी फर्टाइल था ठीक है काफ़ी उपजाऊ हुआ करता था पहले फर्टाइल था जहाँ पे टम्बैकू और कॉटन क्रॉप जो है काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती थी लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर सब्सिक्वेंट फेमाइंस आए ठीक है काफ़ी फेमाइंस आए उसकी वजह से क्या हुआ जो एग्रेरियन इकोनॉमी जो थी यहाँ की जो वेजिटेशन थी जो एग्रेरियन इकोनॉमी थी वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो गई ठीक है और इसके बाद बस यहीं तक जो है बात जो है यहीं तक खत्म नहीं हुई फेमाइंस के बाद जो है ड्रॉट्स आए फिर प्लेग फैल गया प्लेग जो है एपिडेमिक था वो फैल गया ठीक है जिसकी वजह से काफ़ी जाने भी गई खेड़ा में तो इस टाइम पे और इसी टाइम पे क्या हुआ साथ में एक तो वहाँ पे फेमाइन आ रहा है ड्रॉट आ रहा है प्लेग आ रहा है और उसी टाइम पे ब्रिटिश जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने कुछ रीअसेसमेंट की इन लैंड की खेड़ा के लैंड की रीअसेसमेंट की कि भाई देखते हैं कि खेड़ा के जो लैंड है वो कितनी कितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर सकती है ताकि हम टैक्स वैक्स टैक्स वगैरह बढ़ाएँ ठीक है तो जब उनने असेसमेंट की लैंड की उनको लगा कि ये लैंड जो है वो काफ़ी फर्टाइल है तो उस वजह से जो टैक्स है वो 23 परसेंट इंक्रीज कर दिया गया जिस वजह से जो फार्मर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे कि एक तो हम हमें ऑलरेडी काफ़ी नुकसान हो रहा है फेमाइंस और ड्रॉट्स की वजह से और ऊपर से जो है टैक्स इंक्रीज किया जा रहा है तो वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे ना वो जाके गांधी जी से मिले ओके तो गांधी जी उस टाइम पे बिजी थे अहमदाबाद मिल वर्कर्स के साथ अभी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी हमने पढ़ी थी इससे लास्ट लेक्चर में ठीक है तो अहमदाबाद मिल्स वर्कर्स के साथ वो बिज़ी थे तो इसीलिए उन्होंने क्या किया सरदार पटेल जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने क्या कहा कि भाई आप जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा कि आप जाके देखिए कि क्या मसला है वहाँ पे खेड़ा में ठीक है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गए वहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनके ग्रेव्यांस देखने के लिए उनके ग्रेव्यांस सुनने के लिए उन्होंने क्या किया फिर उन्होंने भी जो है सारी रीअसेसमेंट की ओके और एक पैटिशन लिखी उन्होंने ब्रिटिशर्स को और इस पैटिशन में जो है इस ये जो पैटिशन इन्होंने ब्रिटिशर्स को लिखी इसमें प्रॉपर एविडेंसेस थे ड्राट के और जो वहाँ के लोग जो मिजरीज जो फेस कर रहे थे उसके और उन्होंने कहा कि भाई टैक्स को इन सारी चीज़ों पर ये सारे फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पे जो भी उन्होंने एविडेंसेस दिए ड्रॉट्स के फेमाइंस के ठीक है उन्होंने कहा सदा वल्लभ भाई पटेल की रिपोर्ट ने कहा पटिशन ने कहा कि भई आप इन सभी टैक्सेस को स्क्रैप कर दो खत्म कर दो ब्रिटिशर्स से कहा ठीक है लेकिन ब्रिटिशर्स तो अपनी मनमानी करते थे उनको क्या फ़र्क पड़ता था ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इस पटिशन को रिजेक्ट कर दिया ठीक है जब ब्रिटिशर्स ने इस इस पटिशन को रिजेक्ट किया तो फिर जो है गांधी जी ने कहा पीजें से कि भाई आप हम क्या करेंगे हम सत्याग्रह जो है वो अपनाएंगे सत्याग्रह का रास्ता अपनाएंगे और पीसफुल और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट और एजुटेशन करेंगे ठीक है ओके तो फिर उन्होंने कहा कि अगर जो है अच्छा अब ये बोला गया ब्रिटिशर्स ने कि अगर टैक्स को पे नहीं किया जाएगा तो प्रॉपर्टी को जो है सीज कर लिया जाएगा जब्त कर लिया जाएगा ठीक है तो इस वजह से अब जो Uh, काफ़ी ये प्रोटेस्ट हुआ तो इस वजह से काफ़ी जो पीजेंस हैं उनको जेल में डाल दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा ठीक है अब क्या हुआ इस uh, सत्याग्रह में ना जो रिच फार्मर्स थे या जो रिच जमींदार्स थे आप कह सकते हैं उन्होंने ये प्रोटेस्ट खेड़ा सत्याग्रह ज्वाइन नहीं किया था ठीक है लेकिन जो स्मॉल पीजेंट्स थे जो स्मॉल फार्मर्स थे अब देखिए जो रिच फार्मर्स थे या रिच जमींदार थे वो तो कुछ ही लोग थे वो तो काफ देवर वेरी लेस इन नंबर मजॉरिटी जो है वो वो कॉमन uh, पीजेंट्स की थी गरीब फार्मर्स की थी ठीक है जो कि सारे किसके साथ है गांधी जी के साथ है तो फाइनली जो है गवर्नमेंट को ये टैक्स फाइनली स्क्रैप करना पड़ा था ये टैक्स जो है खत्म करना पड़ा था ओके तो इस वजह से ये भी इट वॉज ऑल्सो अ सक्सेस जो खेड़ा सत्याग्रह है गांधी जी का वो भी सक्सेस रहा ठीक है तो ये कब हुआ था सत्याग्रह ये किस वजह से हुआ था आप याद टैक्स को स्क्रैप करने की गवर्नमेंट ने लिवाई किया जिसके ऊपर जो है खेड़ा सत्याग्रह का आंदोलन किया गया सत्याग्रह किया गया बाय गांधी जी ओके okay. नेक्स्ट जो हमने इंपॉर्टेंट पढ़ना है ठीक है अब ये क्या था रोल एक्ट देखिए क्या हुआ इस टाइम तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है 1918 में वो खत्म हो गया था एंड इंडियंस वर इवन एक्सपेक्टिंग जो यहाँ के जो लीडर्स हैं जो लोकल लोग हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब कुछ रिफॉर्म्स जो है इंडिया के आएंगे बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी इंडियन सोल्जर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था और फर्स्ट इसमें ब्रिटिशर्स के साइड से ठीक है एंड मोर ओवर जो हमारी जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे ठीक है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश को सपोर्ट किया था इन एक्सपेक्टेशन कि भाई हमें शायद कुछ वर्ल्ड वार वन के बाद ब्रिटिशर्स हमें कुछ मिल जाएगा हमें कुछ स्वराज टाइप कुछ सेल्फ गवर्नमेंट टाइप कुछ मिल जाएगा ठीक है तो लेकिन हुआ नहीं ऐसा उल्टा क्या हो गया उल्टा क्या हुआ कि और ज्यादा स्ट्रिंजेंट और ब्रूटल लॉ जो है वो ले आया गया ठीक है थ्रू ब्रिटिशर्स बाय दिस रॉल अटैक बेसिकली हुआ क्या था देखिए मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट जो है वो तो फेवर में थे ब्रिटिश के थोड़ा ठंडा पड़ गया था लेकिन कुछ रेवोल्यूशनरी पार्टीज थी जो अभी भी काम कर रही थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जिन जो अभी भी जिनका नेचर जो था वो वायलेंट था ठीक है सम रेवोल्यूशनरी पार्टीज वेदर एंड वी ऑल्सो सॉ दि द फॉर्मेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी पार्टी लाइक गदर एक्सेट्रा ठीक है तो क्या हुआ कि रेवोल्यूशनरी पार्टीज कुछ अभी भी एक्टिव थी ठीक है इनको सप्रेस करने के लिए क्या हुआ रोलैट एक्ट लाया गया वर्ल्ड वार वन के बाद 1919 में मार्च uh, 18 में ठीक है तो बेसिकली ये ब्रिटिश जज थे सिडनी रॉलेट ठीक है ये ब्रिटिश जज था तो इसको इसने क्या किया ये रिप्रेसिव एक्ट लाया नाइनटीन का बेसिकली इस एक्ट इस में था क्या कि जो गवर्नमेंट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इस एक्ट ने इस एक्ट के आने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट uh, के पास ये अथॉरिटी आ गई कि वो किसी भी इंसान को ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेशन वो क्या कर सकते हैं अरेस्ट कर सकते हैं इम्प्रिजन कर सकते हैं ठीक है ठीके? और जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेशन मतलब कोई वारंट नहीं देना पड़ेगा इसमें कोई अरेस्ट वारंट जो है वो गवर्नमेंट को प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा और अगर जो बंदा अरेस्ट हो जाता है वो अपने मतलब अपने उसके लिए ठीक है अपनी से के लिए जो है वो कोई पटिशन भी नहीं दे सकता ठीक है मतलब अपनी सफाई भी नहीं पेश कर सकता जो भी इंसान जो प्रजेंट इमप्रजेंट है ठीक है तो इस एक्ट को जो है क्या कहा गया इस एक्ट का जो ऑफिशियल नाम था वो था अनार्कियल एंड रेगुलेशन क्राइम एक्ट ठीक है इस एक्ट का ऑफिशियल नाम था अनारके एंड रेगुलेशन क्राइम एक्ट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में मतलब जिसको कॉमनली हम रोलेट एक्ट भी कहते हैं ठीक है ओके अब इस इवन की इसमें यह था कि आप कोई अपील या कोई पटिशन अगर किसी को प्रिजन कर लिया है तो वो कोई अपील या पटिशन भी नहीं दे सकता और मैक्सिमम टू इयर्स के लिए उस बंदे को जेल में रखा जा सकता है on just the you know on on the mere the uh, you can say basis of suspicion ठीक है अगर उसके पास कोई भी uh, आप कह सकते हो seditious या कोई भी भड़काने वाली चीज़ मिल गई कोई कैप कोई pamphlet ही मिल गया चाहे वो involved हैं uh, revolutionary activity में ठीक है वायलेंट एक्टिविटी में चाहे वो बंदा इन्वॉल्व है या नहीं है ठीक है अगर उसके पास कोई लीफलेट कोई पैम्फलेट भी मिल गया ना कि जिसपे कोई सिडिशियस उनको लगेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई चीज है तो वो उस बंदे को अरेस्ट कर लेंगे ठीक है तो ये बहुत ही आप कह सकते हो एक मतलब बहुत ही ब्रूटल एक टाइप का एक एक्ट था ठीक है इस टाइम पे वॉइस रॉय कौन थे कैल्स थे ऑल अब बेसिकली जो एम थी ब्रिटिश की वो यही थी कि कोई भी जो रिवॉल्ट है या कोई भी जो अगर कुछ ब्रिटिश के खिलाफ कोई कॉन्स्पेरिसी हो रही है उसको जड़ से उखाड़ दिया जाए ये बेसिकली ब्रिटिशर्स का यहाँ पे था ठीक है ओके एजेंडा था क्योंकि वर्ल्ड वार वन तो अब जीत चुके थे ठीक है ओके अब देखिए इसमें क्या था कि ये जो आ, 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 इसके खिलाफ ठीक है इसके खिलाफ जो रोलट एक्ट है इसके खिलाफ काफ़ी लीडर्स जो हैं वो सामने आए और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया और इवन के जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो काउंसिल के जो मेंबर्स थे उन्होंने जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन भी कर दिया जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जैसे मोहम्मद अली जिन्ना इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था औरट एक्ट के खिलाफ ठीक है मज़र उल हक थे इन्होंने रिज़ाइन कर दिया मदन मोहन मालवीय थे तो इन्होंने अपनी इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन कर दिया था ओके और लोगों में एक गुस्सा था काफी ज्यादा ठीक है वेव ऑफ एंगर थी इन इन बिटवीन द इंडियन पीपल फॉर दिस एक्ट एक्ट ओके गांधी जी ने क्या किया के लिए एक सत्याग्रह सभा जो है बॉम्बे में ऑर्गेनाइज की और सिक्स अप्रैलटीन को गांधी जी ने क्या किया एक मास प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च किया मास हड़ताल जो है वो लॉन्च की ऑल इंडिया लेवल पे ये सत्याग्रह चला और फास्टिंग और प्रेइंग भी की गई इस रोलैट एक्ट के बाद ठीक है तो क्या हमने पढ़ा रोलेट एक्ट में रोलेट एक्ट जो है मार्च 1919 में लाया गया था ठीक है सिडनी रोलैंड रोलेट का ये एक्ट था ठीक है इसने बनाया था और इसके अंदर ये था कि नारक्यूलर रिलीजन और रेगुलेशंस क्राइम एक्ट जो है इसका ऑफिशियल नाम था इस एक्ट में क्या था कि विदाउट वारंट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन आप किसी बंदे को भी अरेस्ट कर दो फॉर मैक्सिमम टू ईयर्स इस तरीके से ये जो है एक्ट था ठीक है ओके उसके बाद देखिए हो जाता है जलियां बाग बाग सैकर बहुत ही ब्रूटल बहुत ही इनफेमस बहुत ही दुखद मैं बोलूँगी बहुत ही सैड इंसिडेंट जो हमारी हिस्ट्री में जो हुआ था हुआ है ठीक है दैट वॉज जलियांवाला बाग, विच हैपन्ड इन थर्टीन अप्रैल नाइन्टीन नाइन्टीन ठीक है तो आप देखेंगे कि मार्च में जो रोला अटैक लाया गया और उसी के अगले महीने ठीक है अप्रैल में नाइन्टीन नाइन्टीन में जलियावाला बाग हुआ था ठीक है तो जलियांवाला बाग में सैकर में क्या था देखिए बेसिकली क्या है कि अब ये जो रेवोल्यूशन जो है पंजाब जो है और मतलब हमेशा से पंजाब जो है वो रेवोल्यूशन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह जो है रही इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अब पंजाब में क्या हुआ कि दो लीडर्स थे पंजाब में जिन जो थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ठीक है ये एक लॉयर थे और डॉक्टर सत्यपाल ठीक है इन्होंने क्या किया ये एक डॉक्टर थे तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू डॉक्टर सत्यपाल जो है दो लीडर्स थे जो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे पंजाब में रोलैट एक्ट के खिलाफ तो बेसिकली जो गांधी जी की जो एजिटेशन थी रोलेट एक्ट की जो रोलाट सत्याग्रह की उसको पंजाब में संभाल रहे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी कहाँ पे पंजाब में ठीक है अमृतसर में पर्टिकुलरली तो क्या हुआ कि इनको टेंथ अप्रैल 1919 को इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है क्यों अरेस्ट करती है इनको लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि जो पंजाब का एरिया है यहाँ पे इस Uh, इस मूवमेंट को खत्म करने का यही तरीका है कि जो उनके लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाए तो ये मूवमेंट जो है खत्म हो हो जाएगा आउट हो जाएगा आउट तो इसी वजह से ये इस मूवमेंट को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया टेंथ अप्रप्रिल में ठीक है लोगों में जी आ गया गुस्सा लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए ठीक है और लोगों ने क्या किया ब्रिटिश जो सिंबल्स थे जहाँ पे भी उनको उन उनपे अटैक करना है उन जैसे फ्लैग्स थे उनको जला दिया ब्रिटिश जो फ्लैग्स थे ठीक है ब्रिटिश जो बिल्डिंग्स थी उनकी उनके बिल्डिंग्स पे जो है स्नो स्टोन पेल्टिंग स्टार्ट होगी तो काफ़ी जो क्राउड है जो मॉब काफ़ी एग्रेसिव हो चुकी थी क्राउड ठीक है क्यों उनके लीडर्स को क्यों अरेस्ट किया गया ठीक है तो फाइनली व्हाट हैपन कि 13 अप्रैल को जिस दिन बैसाखी का दिन होता है 13 अप्रैल 1919 को जो लोग हैं वो इन लीडर्स की अरेस्ट के लिए इकट्ठा हुए ठीक है अमृतसर बाग में तो बेसिकली हुआ क्या था कि 1919 को को ही ना अप्रैल सुबह ही एक अनाउंसमेंट आई थी कि ब्रिटिशर्स ने ये अनाउंस किया कि अब जो है आप कहीं पे पीसफुली भी इकट्ठा नहीं हो सकते ठीक है आप कहीं पे कोई भी गैदरिंग जो है नहीं कर सकते पीसफुली भी इकट्ठा नहीं हो सकते और बेसिकली जो ये जो आप कह सकते हो जो जलियावाला जो इससे पहले जो एक्ट के खिलाफ पीसफुल एजिटेशन ही हो रही थी काफी पीसफुल एजिटेशन थी ठीक है लेकिन यहां बोला गया कि ब्रिटिशर्स ने सुबह ही ये रूल पास किया कि भाई आप पीसफुल एजिटेशन भी प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते अब लोगों को ये पता नहीं था कि ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसा कुछ ऐसा जो है ल, कोई रूल लाया है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते लोगों को ये नहीं पता था और लोग जो है जिले बाग अमृतसर में इकट्ठा हो गए चलिए अब देखिए वहाँ पे न्यूज़पेपर के थ्रू ही जो है न्यूज़ स्प्रेड होती थी तो अभी तक लोगों के पास शायद वो न्यूज़पेपर नहीं पहुँची होगी या लोगों ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ी होगी लोगों को इतना एक्चुअली नहीं पता था पीपल वर नॉट अवेयर ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ लाया है कि ऐसा कोई कानून लाया है कि जो लोग हैं वो प्र, पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते तो लोग यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे पीस इट वाज अ वेरी क्वाइट पीसफुल प्रोटेस्ट इन बैसाखी मेला भी चल रहा था साथ में जलने वाला बाग में तो लोग कहीं तो मेला देखने आए थे कई कई लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे थे बट सम पीपल हैड कम जस्ट टू अटेंड द फेयर बैसाखी मेला अटेंड करने आए थे ठीक है तो यहाँ पे जो जनरल डायर है जी जनरल डायर को पता चल जाता है कि ऐसा कुछ यहाँ पे जो है लोग जलियावाला बाग में इकट्ठा हुए हैं ठीक है थीके? तो जनरल डायर जो है यहाँ पहुँचता है इसने क्या किया एक ही एंट्री और एग्जिट का एक ही पॉइंट है जलियावाला बाग में इसको जो एक ही जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट था यहाँ इसको बंद कर दिया और अंधाधुंध जो है फायरिंग स्टार्ट कर दी क्राउड के ऊपर क्राउड तो कहाँ ही आर्म्ड थी कोई क्राउड के पास तो कोई वेपन वगैरह था नहीं वो तो ऐसे ही पीसफुल एजुटेशन करने के लिए आए थे कि भाई हमारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया है ठीक है तो विद एंड ही स्टार्टेड फायरिंग विदाउट एनी वार्निंग उसने बिना किसी वार्निंग के जो है स्टार्ट कर दी जो है फायरिंग uh, स्टार्ट कर दी एंड इट वाज अ मास मेसेकर ठीक है अब यहाँ पे इट वाज क्वाइट एन अनसिविलाइज्ड ब्रूटिलिटी ठीक है जो कि अमृतसर के लोगों पे हुई और एंटायर नेशन वाज स्टंड क्योंकि हज़ारों के करीब जो है लोग यहाँ पे मारे गए थे थाउजेंड्स के करीब जो है लोग यहाँ पे मारे गए थे हज़ार से ऊपर ऊपर कहा जाता है कि लोग यहाँ मारे गए थे अब यहाँ पे एक वेल था एक कुआं था जिसमें लोगों ने गोलियों से बचने के लिए कुओं में छिलांग लगा दी और करीब 300 के 250 300 के करीब तो लाशें खाली कुएँ से ही बाहर निकाली गई थी ठीक है और अभी भी अगर हम जलियावाला बाग में कभी आप जाते हो कभी आप विजिट करते हो तो आप देखेंगे कि अभी भी गोलियों के निशान जो है वो वहाँ पर लगा मतलब अभी भी हैं ठीक है ओके तो इट वॉज़ इट वॉज सच अ ब्रूटल इंसिडेंट इन आर हिस्ट्री ठीक है जिसकी वजह से काफ़ी ऑब्वियसली पूरे जो देश है वो शॉक्ड था ठीक है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी इसके लिए क्या किया अपना नाइटहुड जो है वो रिटर्न कर दिया था इन प्रोटेस्ट ऑफ इट नाइटहुड जो ऑनर जो इनको मिला था वो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वो इन्होंने क्या कर दिया था रिटर्न कर दिया था ओके और इस इंसिडेंस के बाद काफ़ी वॉयलेंस जो है वो स्प्रेड हो गया पंजाब में गुजरात में बंगाल में ठीक है काफ़ी वॉयलेंस हुआ होना भी था इतनी जो है

वो ब्रिटिशर्स के इस जलिया वाला एक्ट के खिलाफ वॉयलेंस कर रहे हैं तो इस वजह से जो गांधी जी ने ये जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया ऑन एटीन अप्रैल 1919 और इसको देखने के लिए क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हंटर कमीशन बिठाई ठीक है अब जबकि हुआ ये था कि ब्रिटिश की जब अगर हम ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर जनरल डायर की इस इस घटना को इनफैक्ट प्रेज किया गया ठीक है इसको कंडेंड नहीं किया गया जबकि पूरी दुनिया में जो है ये इंसिडेंट कंडेम्ड हो रहा था कि ये बहुत ही गलत हुआ है जनरल डायर के द्वारा ठीक है जो भी इंडिया में हुआ ये जलियावाला बाग में सहकर जबकि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने जनरल डायर के खिलाफ कोई भी आ, कोई आप कह सकते हो कोई ट्रायल नहीं चलाया कुछ भी नहीं किया जनरल डायर को इनफैक्ट उसको प्रेज किया उस, उसके इस इंसिडेंट को ठीक है इससे लोगों में और ज्यादा गुस्सा आया अगर जनरल डायर को मतलब के खिलाफ कोई केस चलाते जनरल डायर को कोई सजा दिलवाते तो तब तो भी कोई बात थी उन्होंने कोई केस वगैरह जनरल डायर को नहीं नहीं दिया था इनफैक्ट उसको पेंशन मिलती रही थी पहले आधी पेंशन मिलती उसके बाद तो फुल पेंशन मिलना स्टार्ट हो गई थी जनरल डायर को ठीक है ओके okay. पर हंटर कमीशन बिठाई थी एक एक इंक्वायरी बिठा दी थी ठीक है जिसका कोई को, जिसका कोई आ, मतलब आप कह सकते कोई रिजल्ट नहीं था इस कमीशन का जस्ट ऐसे ही कि हाँ जी भाई आप इसमें इस देख लीजिए कि एक इंक्वायरी बिठा ली थी हंटर कमीशन ठीक है कब बिठाई थी फोर्टीन अक्टूबर 1919 नाइनटीन को बिठाई थी जिसका हेड थे विलियम जिसका हेड था विलियम हंटर ठीक है ओके तो रोलैट एक्ट जो है ये रिपील कर दिया गया था फिर लॉर्ड रेडिंग ने इन द ईयर 1922 फिर 1922 में ये जो एक्ट है इसको रिपील कर दिया गया था ठीक है लॉर्ड रेडिंग ने किया था जब जो तब के वाइस रॉय थे ओके अब फाइनली आप देख सकते हैं कि मार्च नाइनटीन में ठीक है मार्च 1940 में 1919 में ये हो रहा है इंसिडेंट्स और तकरीबन 20-21 साल के बाद जो है 1940 में सरदार उधम सिंह थे सरदार उधम सिंह जी ने क्या किया माइकल ओ डवायर जो था उसको जो है लंदन में जो उस टाइम पे वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का जब ये 1919 नाइनटीन का जलियावाला बाग में सैकर हुआ था जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी इसको यस की थी वहां के कि जनरल डायर ने जब इसको ओ डायर से पूछा कि क्या मैं मतलब मतलब आई एम गोइंग टू डू दिस एक्ट कि वहां पे फायरिंग वगैरह करेंगे हम जलियावाला बाग में जाके तो जनरल तो ये जो माइकल ओ डायर था जो वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ना पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसने यस कर दी थी ठीक है उसने डायर को बोला कि हाँ आप जाके गोलियां मतलब आप कर सकते हैं जो आपने करना है तो इसकी ये हो गई थी तो सरदार उधम सिंह ने क्या किया इस माइकल ओ डायर को लंडन में जो है गोली मार दी थी 1940 में ठीक है तो ये जो है ये हुआ था आ, ये ठीक है तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ओके नेक्स्ट इज खिलाफत मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट ठीक है खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ देखिए खिलाफत मूवमेंट और उसके बाद जो है हम देख सकते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो चली और ये जो है ये दोनों का जो रूट है या जो दोनों का कॉन्सेप्ट है वो एक ही है खिलाफत मूवमेंट का और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ठीक है तो क्या है इसमें खिलाफत मूवमेंट में बेसिकली ओके सो व्हाट हैपनड इन द खिलाफत मूवमेंट ओके देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो जब चल रहा था बिटवीन ब्रिटेन फ्रांस जापान रशिया इटली एंड सेंट्रल पावर्स जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी बल्गेरिया ऑटोमन एम्पायर एक साइड पे था ठीक है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था यहाँ पे ब्रिटिश यहाँ पे जो मुस्लिम्स थे ना दे वर क्वाइट अनॉयड बाई ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे मुस्लिम्स और इनफैक्ट सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं देवर वर मैनी रीजन पहले से ही स्टार्ट हो रहा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है आ, मतलब पहले से ही जो मुस्लिम्स हैं उनके मन में ब्रिटिशर्स के खिलाफ चीजें आ रही थी एक तो 1911 में जो बंगाल की पार्टीशन है उसको एनल कर दिया था जिससे मुस्लिम्स काफ़ी अनोयड थे ठीक है क्योंकि जो ईस्ट प्रोविंस है बंगाल का वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी हो रही थी जिसकी वजह से कुछ पॉलिटिकल गेन्स जो है मुस्लिम्स को आने वाले थे ठीक है अब बंगाल की पार्टीशन को एनल कर दिया गया यानी ईस्ट बंगाल को, कोई आ, मतलब इस बेसिस पे बंगाल के जो पार्टीशन है वो खारिज कर दी गई थी वो एनल कर दी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो ब्रिटिशर्स जो ने जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था उसको एनल कर दिया था तो इस बेसिस पे जो मुस्लिम्स हैं उनके मन में ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो दे वर नॉट हैप्पी विद द एनलमेंट ऑफ बंगाल इन नाइनटीन ठीक है ओके okay. उसके बाद देखिए जो अभी यंग मुस्लिम्स जो अब आगे आ रहे थे ना ठीक है जो अब यंग जो आप कह सकते हो जो मुस्लिम आ रहे थे उनमें एंटी इम्पीरियलिस्ट भावना थी फीलिंग थी काफ़ी ज़्यादा ठीक है वो इंडियन रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते थे ठीक है वो इंडियन रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते थे वो एंटी ब्रिटिश जो फीलिंग्स थी जो अब नए आप कह सकते हो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम जो बच्चे अब आप यंग जो आप कह सकते हो जनरेशन आगे आ रही थी ठीक है उनमें एंटी इम्पीरियलिस्ट फीलिंग थी एंटी ब्रिटिश फीलिंग थी ठीक है ओके एंड मोर ओवर देर देर वर मोर रीजन्स टू इट ठीक है अब देखिए ये आप देख सकते हैं अब हम आ, ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में दैट देयर हैपन अ हिंदू मुस्लिम यूनिटी ठीक है देयर हैपन हिंदू मुस्लिम यूनिटी वी कैन सी आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है ये सेंट्र ये दी बॉम्बे क्रॉनिकल जो है न्यूज़पेपर है ठीक है दिस इज़ अ बॉम्बे क्रॉनिकल न्यूज़पेपर ठीक है उस टाइम पे का ये जो न्यूज़पेपर है ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ लिखा हुआ है बॉम्बे मुस्लिम्स सपोर्ट कि मुस्लिम्स का जो सपोर्ट है वो आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में दिखा ओके और यहाँ पे ये जो है ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन कोऑपरेशन रिकमेंडेशन फॉर कंजिड्रेशन ठीक है ओके, ओके ओवर खिलाफत एंड पंजाब दी फर्स्ट ऑफ अगस्त यानी फर्स्ट अगस्त को जो है ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ये देखिए फर्स्ट ऑफ अगस्त लिखा हुआ है मिस्टर गांधी गांधीज इंजंक्शन टू इट ठीक है तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ओके अब हुआ क्या इसमें खिलाफत मूवमेंट में बेसिकली खिलाफत मूवमेंट में हुआ क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने जो है मैंने लास्ट लेक्चर में भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का थोड़ा डिस्कस किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1914 में स्टार्ट हुआ तो इसमें जो बेसिकली क्या था कि एक तरफ ब्रिटेन थी दूसरी तरफ था ऑटोमन एम्पायर और भी काफ़ी कंट्रीज थी वैसे बट मैं मेनली ऑटोमन एम्पायर की बात करूंगी क्योंकि ऑटोमन एम्पायर में टर्की में जो है टर्की में आप कह सकते हो कि बैठते थे टर्की में जो सीट थी वो थी खलीफा की ठीक है खलीफा की या कैलिफ ऐसे भी लिखते हैं ठीक है खलीफ़ा की तो खलीफा की जो पोस्ट है बेसिकली जो खलीफा की जो पोजीशन है ठीक है ही वाज द यूनिटी एक सिंबल ऑफ यूनिटी फॉर मुस्लिम्स ठीक है ही वाज अ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल लीडर ठीक है जो खलीफा हैं जो खलीफा जो आप कह सकते जो टर्की के सुल्तान हैं जो ओटमन है, एम्पायर के जो सुल्तान थे ठीक है वो खलीफा की पो की पोजिशन के लिए थे ठीक है वो खलीफा की पोजिशन होल्ड करते थे जो कि रिलीजियस और ठीक है स्पिरिचुअल लीडर थे मुस्लिम्स के ओके okay. अब क्या हुआ कि जब ब्रिटेन के ब्रिटेन जो था इट वाज इट वाज अगेंस्ट टर्की एंड इट वाज अगेंस्ट द पोजीशन ऑफ खलीफा यू कैन से और आफ्टर जो आफ्टर द वॉर जो जो खलीफा की जो पोजीशन है वो इट वाज जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू टर्की ठीक है तो इस चीज से काफ़ी ज़्यादा अनॉयड थे मुस्लिम्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड ठीक है ऑल ओवर वर्ल्ड जो मुस्लिम्स हैं वो अनॉयड थे ब्रिटेन की टे, टेक पे आप कह सकते हो ऑन टर्की और ऑन ऑटोमन एम्पायर ठीक है तो अब क्या हुआ देखिए जो ऑटोमन एम्पायर है ये ये टर्किश ट्राइब्स हैं उन्होंने फाउंड किया था और ये काफी पावरफुल एम्पायर था सेंचुरी में तो बहुत बहुत दबदबा था बहुत पावरफुल एम्पायर था ठीक है और ये यह, यहाँ मैंने ये यह थोड़ी सी स्टोरी लिखी है कि जो सुल्तान थे ओटोमन एम्पायर के ठीक है उनको खलीफा कहा जाता था और जो मुस्लिम जो होल वर्ल्ड के जो हैं वो उनको अपना स्परिचुअल रिलीजियस लीडर मानते थे इनको यूनिटी का सिंबल मानते थे जो मुस्लिम्स हैं ठीक है ठीके? अब इस वॉर के बाद जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो डिफीट हो गई और जो आप कह सकते हो जो ब्रिटिश जो अलाइड फोर्सेस हैं वो जीत गई थी इस वर्ल्ड वार वन में ठीक है जब यूएसए ने एंट्री मारी वर्ल्ड वार में तो और स्ट्रेंथन हो गई ब्रिटेन की पोजीशन ठीक है तो उस वजह से क्या हो जाता है कि जो अलाइड फोर्सेस जो है ना वो चाहती थी ठीक है टू वो चाहती थी कि जो ओटोमन की एम्पायर की जो है ट्रीटी हो जाए एलिड फोर्सेस के साथ और वो जो नॉन टर्किश टेरिटरीज हैं जैसे कि पैलेस्टीन है लेबनन है इराक है इजिप्ट है ठीक है वो सारी आ, वो अपना वो सारी जो है वो किसके अंडर आ जाए वो सारी एलीड पावर्स के अंदर आ जाए जिस साइड पर ब्रिटेन थी ठीक है तो अब ये क्या हुआ अब इनको अगर एलिड पावर्स ने जो हैं ये साइन कर दी अगर ये ट्रीटी जो है ये साइन अगर हो जाती तो उसकी वजह से क्या हो जाता कि जो खलीफा का कंट्रोल है फेलस्टीन पे, लेबनन पे इराक़ पे और इजिप्ट और पे वो ख़त्म हो जाता ऑब्वियसली, अगर ये ट्रीटी साइन हो जाती जिस ट्रीटी के अंडर जो एलीड पावर्स हैं जिनमें ब्रिटेन एक पार्ट था वो ये चाहती थी कि जो नॉन टर्किश टेरिटरीज़ हैं जैसे फलस्तीन लेबनिन इराक ईरान ये इराक और इजिप्ट सॉरी ये किसके अंडर आ जाएं ये एलिड पावर्स के अंडर आ जाएं जो कि बाद में ये ट्रीटी साइन हो भी गई इसकी वजह से क्या हुआ कि इन जगहों पे इन जगहों पे जो खलीफा का जो कंट्रोल था वो चला गया क्योंकि अब ये टेरेटरीज किसके अंडर आ गई अलीड फोर्सेज के अंदर आ गई ठीक है एलिड पावर्स के अंडर आ गई तो जिस वजह से जो मुस्लिम्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड दे वर क्वाइट अनहैप्पी इंक्लूडिंग इंडियन मुस्लिम्स ठीक है काफ़ी जो है एग्रेसिव हो गए थे ठीक है तो काफ़ी एक्टिविटीज़ जो है इन सपोर्ट ऑफ खलीफा इट स्टार्टेड काफी एक्टिविटीज़ जो है खलीफा के सपोर्ट में स्टार्ट हो गई ओके okay? और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन सपोर्ट ऑफ खलीफा वॉज सीन इन इंडिया ठीक है इस खलीफा की जो खलीफा की पोजिशन की सपोर्ट में जो है इंडिया में भी आए देवर मोहम्मद अली एन शौकत अली जौहर जिनको अली ब्रदर्स या जौहर ब्रदर्स भी कहते हैं ठीक है तो यहां पर इंडिया में अगर हम कहें कि खलीफा मूवमेंट या सॉरी इट इज खिलाफत मूवमेंट ठीक है खिलाफत मूवमेंट क्या है कि खलीफा की पोजिशन को रिटेन करने के अगेंस्ट चलाई गई खिलाफत मूवमेंट ऐसे आप याद रख सकते हैं ठीक है तो अब यहाँ पे जो मूवमेंट है इंडिया में खिलाफत जो मूवमेंट है ये किसने स्टार्ट की थी ये मोहम्मद अली और शौकत अली ने जो कि अली ब्रदर्स जौहर ब्रदर्स भी जिनको कहते हैं इन्होंने जो है यहाँ पे ये एक्टिविटी जो है वो की ये मूवमेंट चलाया और बाकी मुस्लिम लीडर्स जो थे देवर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ठीक है देवर मुख्तार अंसारी सैफुद्दीन किचलू इन नाइनटीन नाइनटीन तो इन्होंने ये जो है ये मूवमेंट यहाँ पे चलाया नाइनटीन नाइनटीन में ठीक है और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी भी बनाई गई जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के वो कौन बने गांधी जी ठीक है अब गांधी जी को ये अपॉर्चुनिटी लगी गांधी जी ने कहा कि इस टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो जाए मुस्लिम्स जो है दे आर ऑलरेडी एंटी इंपेरिस्ट एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स उनमें हैं ठीक है ठीके? और हिंदूज में तो ऑलरेडी है ठीक है इंटरनेशनल कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो दे वर ऑलरेडी यू नो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स हम कह सकते हैं तो इसकी वजह से क्या हुआ कि गांधी जी जो हैं ये काफ़ी एक्टिव मेंबर बने यहाँ खिलाफत कमेटी के गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट uh, को सपोर्ट किया ठीक है और वो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने ठीक है तो इन्होंने इस अब खिलाफत मूवमेंट के अंडर क्या हुआ खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ बेसिकली ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट किया गया कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन नहीं दिखाई गई टू नॉट टू कोऑपरेट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट ठीक है ऑन एनी टर्म्स तो खिलाफत मूवमेंट जो है ये इस टाइम पे अपनी पीक पे थी ठीक है ओके डिस्पाइट ऑफ दिस ट्रीटी अब क्या हुआ ऑटोमन एम्पायर और अलीड पावर में ये ट्रीटी साइन हो गई थी जिसमें नॉन टर्गिश ट्राइब्स जो हैं वो अलीड पावर्स के अंडर आ गई थी और ऑटोमन जो है वो डिवाइड हो गया फाइनली इसी के खिलाफ ये मूवमेंट थी लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स कहां मानते हैं जितनी मर्जी मूवमेंट करो ब्रिटिशर्स ने अपनी जो करनी थी वही करते थे तो जितनी मर्जी अब खिलाफत मूवमेंट इतनी बड़ी एजिटेशन हुई अपनी पीक पर थी फिर भी ब्रिटिशर्स नहीं माने फिर भी ऑटोमन जो है वो डिवाइड हो गया जो जो मुस्लिम्स नहीं चाहते थे कि ऑटोमन एम्पायर डिवाइड हो ठीक है फिर भी डिवाइड हो गया और खलीफा की पावर जो है सुल्तान की जो पावर है वो कम हो ठीक है लेकिन फिर भी ये पावर जो है वो कम हो गई एंड इट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू टर्की ठीक है तो ये सब जो है ये खिलाफत मूवमेंट में रहा अब हुआ क्या खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ना वो एक ही है आप कह सकते हो कि उनका जो जेनेसिस है वो एक ही है अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला नाइन ट्वेंटी टू याद रखना इंपॉर्टेंट डेट है काफी एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम में क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी आपको ठीक है कि पहले जलिया वाला था या याट एक्ट हुआ था या नॉन कोऑपरेशन हुआ था या, या खिलाफत हुआ था तो तो आपको ये क्रोनोलॉजी याद याद रखनी है है पहले क्या हुआ ईयर रखना क्रोनोलॉजी अपने आप याद रहेगी ठीक है या फिर ये स्टोरी की फॉर्म में तो मैं आपको बता ही रही हूं तो यू कैन रिलेट टू इट पूरी कहानी आप याद रखोगे तो आपको समझ आपको पता रहेगा कि कौन सा मूवमेंट पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन तो काफी बार पूछा जाता है कि कौन सा मूवमेंट कब हुआ ठीक है ओके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैपन इन नाइनटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ठीक है गांधी जी ने क्या किया खिलाफत मूवमेंट जो जो मुस्लिम्स के द्वारा हम कह सकते हैं मेजोरिटी जो स्टार्ट हुआ था ठीक है और उन्होंने क्या किया कि ये सोचा कि अगर हिंदूज़ भी जो हैं वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ कैंपेन करना स्टार्ट कर दे तो पूरी कंट्री इस टाइम पे यूनाइट हो जाएगी ठीक है तो गांधी जी ने क्या किया फर्स्ट अगस्त नाइनटीन गांधी जी का एक ज़बरदस्त बेस जो है वो बन चुका था गांधी जी जो है मासज में काफ़ी पॉपुलर थे इस टाइम तक तो इन्होंने क्या किया फर्स्ट अगस्त 1920 में क्या किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया क्या स्टार्ट कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया ठीक है जिसमें पूरी की पूरी कंट्री हम देखेंगे इन्वॉल्व हो गई बहुत बड़ा मूवमेंट था यह खिलाफों और नॉन कोऑपरेशन बहुत बड़ा मूवमेंट था सबसे अच्छी बात तो ये थी कि इस टाइम पे यूनिटी थी अमंग द कंट्री ठीक है और गांधी जी जैसे लीडर थे एक तो एक लीडर मिल चुका था पहले तो लीडरलेस रिवॉल्ट होती थी लोकलाइज रिवॉल्ट होती थी कहीं कहीं रीजन्स में रिवॉल्ट होती थी तो इस वजह से फेड अवे हो जाती थी यहाँ पे एक नेशनलाइज सिंबल एक नेशनलाइज लीडर गांधी जी की शेप में मिल चुका था मासीज को हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी मुस्लिम्स भी गांधी जी को इस टाइम तक मानने लगे थे तो काफ़ी एक पूरी कंट्री इसमें इन्वॉल्व थी इट वॉज अ वाइड इट वॉज अ बिग मूवमेंट आई वुड से बहुत बड़ा मूवमेंट रहा ये ठीक है और इसके बाद क्या हुआ इस मूवमेंट को पहले तो इस मूवमेंट में जो कांग्रेस जो है वो इन्वॉल्व नहीं थी इंटरनेशनल कांग्रेस इन्वॉल्व नहीं थी गांधी जी ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था लेकिन कांग्रेस इन्वॉल्व नहीं थी लेकिन बाद में हम देखेंगे कि जो नागपुर सेशन रहा कांग्रेस का डिसंबर 1920 का तो अगस्त में ये फर्स्ट अगस्त को ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो डिसंबर 1920 में इंटरनेशनल कांग्रेस ने भी इस मूवमेंट को अप्रूव कर दिया फिर डिसंबर में डिसंबर 1920 के बाद इंटरनेशनल कांग्रेस के लीडर्स भी इसमें सपोर्ट में आ गए इस इसलिए इस मूवमेंट इस, uh, के ठीक है अभी मूवमेंट क्यों चलाया गया था बेसिकली ये मूवमेंट चलाया गया था एक तो जलियाँ वाला बाग में सैकर में जो हुआ ठीक है उसके खिलाफ वहाँ ठीक है कि जो वहाँ के जो लोग हैं उनको जस्टिस दिलाने के खिलाफ ठीक है उनको जस्टिस दिलाने के लिए ठीक है जलियाँ वाला बाग में सैकर के लिए और खलीफ खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट के लिए ठीक है एक तो जलियाँ वाला बाग में सैकर के लिए खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट के लिए और स्वराज अटेन करने के लिए ठीक है तो ये काफ़ी ये कुछ एजेंडाज रहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अब इस मूवमेंट में हुआ क्या इस मूवमेंट में करना क्या था इस मूवमेंट में क्या करना था कि गवर्नमेंट स्कूल्स को कॉलेजेस को लॉ कोर्ट्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को सबको बाइकआउट कर देना था फॉरन गुड्स को बाइकआउट करना था और इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करना था अपने टाइटल्स जो भी हैं ऑनरनी uh, जो भी ऑफिसर्स हैं टाइटल्स को सबको टाइटल्स को सरेंडर करना था जिसमें क्या हुआ कि जो एस आर दास जी हैं जवाहरलाल नेहरू हैं सरदार पटेल हैं ठीक है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं ओके okay, राजेंद्र प्रसाद जी हैं इन सब ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस जो हैं वो अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी दे ऑल गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस सुभाष चंद्र बोस जी, जी जो हैं उन्होंने सिविल सर्विस से रिटायर उन्होंने सिविल सर्विस से रिजाइन ले लिया ठीक है इस ये मूवमेंट काफ़ी फास्ट रेट पे हम देखेंगे कि ग्रो किया बड़े सारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उन्होंने क्या किया अपने स्कूल्स अपने कॉलेजेस और विद्यापीठ खोले अब जब हम क्या करेंगे जब स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो नहीं जाएंगे जो ब्रिटिशर्स द्वारा ओपन हुए हैं तो फिर कई स्कूल्स या विद्यापीठ या कॉलेजेस तो चाहिए तो फिर हम देखेंगे काफ़ी नेशनलिस्ट ने क्या किया आ, ये स्कूल्स काफी नए कॉलेजेस और विद्यापीठ जो हैं देवर ओपन ठीक है फाइनली क्या हुआ था कि फर्स्ट फरवरी अब क्या हुआ कि गांधी जी पे प्रेशर आया इंटरनेशनल कांग्रेस ने काफी प्रेशर किया गांधी जी पे कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम एक स्टेप आगे जाते हैं इस मूवमेंट को लेके और अब आप सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दीजिए गांधी जी को कहा अभी तक नॉन कोऑपरेशन था उन्होंने कहा अब आप सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ऐसा मासिस को ऐसा लग रहा था सबको कि अगर ये एजिटेशन शायद पांच छह महीने या तीन चार महीने और चल पाए तो हमें स्वराज मिल जाएगा और ऐसा था भी इट वॉज अ वेरी मास मूवमेंट यूनिटी अमंग पीपल देर वॉज अ लीडर लाइक गांधी ठीक है जिनको मासेस मानती थी तो इट वॉज अ वेरी वाइड इट वॉज अ वेरी बिग मूवमेंट ठीक है जिसको शायद थोड़ी देर और अगर ये चलता पांच छह महीने और चलता या तीन चार महीने भी और चलता तो स्वराज मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी शायद मिल भी जाता ठीक है तो इस वजह से जो है कांग्रेस ने काफी प्रेशर बनाया गांधी जी पे कि आप क्या करिए सिविल मूवमेंट अब लॉन्च कर दीजिए तो ऑन फर्स्ट फेबर गांधी जी जो है उन्होंने जी ब्रिटिशर्स को आप कह सकते हो टाइप की थ्रेटन किया कि अब हम बरदोली गुजरात से सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे ये गांधी जी ने कहा कि सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट जो है वेरी सुन आई विल स्टार्ट विद सिविल डिसोबिड मूवमेंट फ्रॉम गुजरात बरदोली एरिया लेकिन होता क्या है जैसे ही अनाउंसमेंट आती है गांधी जी की उस टाइम पे एक इंसिडेंट हो जाता है ठीक है जिसका नाम है चौरी चौरा इंसिडेंट ये इंसिडेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहा हिस्ट्री में क्योंकि इस इंसिडेंट के, के बाद चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जो इतना बड़ा मूवमेंट था जिसमें पूरा देश इन्वॉल्व था ठीक है जो शायद थोड़ी देर और चलता तो स्वराज भी मिल जाती

अब ये दो साल ये मूवमेंट चला ठीक है नॉन कोऑपरेशन अब हुआ क्या गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो यूपी में उत्तर प्रदेश में आज के टाइम पे उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस ये जगह थी ठीक है पांच फरवरी 1922 में क्या हुआ था देखिए कुछ लोग थे जो कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या हुआ था कुछ दुकानें थी लीकर की है ना लीकर के सेल के अगेंस्ट और जो फूड प्राइसेस काफी बड़े हुए थे फूड प्राइसेस बड़े हुए थे ठीक है? और आप कह सकते हो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के भी सपोर्ट में थे ठीक है? ये इन्होंने क्या किया? कुछ लोग यहां पे इकट्ठे हुए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया एक तो सेल ऑफ लीकर पे प्लस हाई फूड प्राइसेस के अगेंस्ट और नॉन कोऑपरेशन के सपोर्ट में ठीक है कुछ लोगों ने क्या किया अंडर दी आप कह सकते हो अंडर दी लीडरशिप ऑफ भगवान आहिर ये एक आर्मी ऑफिसर थे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे भगवान आहिर इनके लीडरशिप में ये चौरी ये क्या किया चौरी चौरा में चौरी चौरा एक जगह का एक विलेज छोटी सा विलेज है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में यहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया जिसकी वजह से पुलिस जो है उन्होंने काफ़ी लोगों पर लाठीचार्ज किया लोगों को काफ़ी ज़्यादा मारा और जेल में भी बंद कर दिया ठीक है तो इसके खिलाफ लोग जो ऑलरेडी काफी गुस्सा थे पीपल वर क्वाइट एंग्री बहुत गुस्सा थे लोग और और उसके बाद क्या हुआ था कि फिर ये ब्रिटिशर्स ने ये किया था कि गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी थी यहां पे दे स्टार्टेड फायरिंग उन्होंने लोगों पे फायरिंग स्टार्ट कर दी थी अंधाधुंध जिसमें कहा जाता है कि चार पांच लोगों की डेथ भी हो गई थी फायरिंग में ठीक है तो लोगों को और ज्यादा गुस्सा है लोग ऑलरेडी भड़के हुए थे को लगा लोग भाग जाएंगे भीड़ जो है गोली के ही भाग जाएगी बट ऐसा हुआ नहीं ठीक है इनफैक्ट कुछ लोग मर भी गए और फिर जो जो प्रोटेस्टर्स थे कुछ तो मर भी गए तो इस वजह से लोग और ज्यादा भड़क गए लोगों ने क्या किया यहां पे जो पुलिस स्टेशन थी उसको आग लगा दिया पुलिस स्टेशन को आग लगा दी तो पुलिस स्टेशन को आग लगा दी वहां से पुलिसमैन जो है भागने लगे तो ऐसा कहा जाता है कि जो पुलिसमैन भाग रहे थे जो ब्रिटिश पुलिसमैन भाग रहे थे उनको पकड़ पकड़ के भी लोगों ने वापस उस आग में डाल दिया मतलब उस पुलिस स्टेशन की जो आग थी जहाँ पे लिपटे जो चल रही थी उनमें डाल दिया ठीक है तो इस वजह से ऑलमोस्ट ट्वेंटी ब्रिटिश पुलिस वर बर्न टू डेथ ठीक है तो इसमें जो ब्रिटिश पुलिस मैन जो थे ऑलमोस्ट ट्वेंटी टू जो ब्रिटिश पुलिस मैन थे वो जल गए थे तो इस वजह से जो गांधी जी के पास जब ये न्यूज पहुंची तो गांधी जी वर क्वाइट अनहैप्पी अनप्लीज गांधी जी को बहुत बुरा लगा क्योंकि हमें पता है कि भाई उनका पाथ था गांधी जी का नॉन वायलेंस का अहिंसा का रास्ता अपनाते थे पीसफुल एजुकेशन वो चाहते थे ठीक है तो गांधी जी को लगा अभी जो मास्स हैं अभी जो लोग हैं ये इस नॉन वायलेंस के लिए फुली प्रिपेयर्ड नहीं है उनको अभी पूरा तरीका प्रोटेस्ट का शायद आया नहीं है पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कैसे करना है इन लोगों को अभी शायद मासेस को आया नहीं है ठीक है तो जो गांधी जी थे ही क्वाइट क्वाइट अनहैप्पी सैडनड कि ऐसा क्यों किया उन्होंने चौरे चौरा में जो है पुलिसमैन मतलब ब्रिटिश पुलिस मैन क्यों मर गए या वायलेंस क्यों हुआ ठीक है वहां पे तो इस वजह से जो जो गांधी जी थे वो ब्लड शेड के खिलाफ थे हमें ऑलरेडी पता है ठीक है तो उन्होंने क्या किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे ही हॉल्ट कर दिया पोस्टपोन कर दिया बंद कर दिया कब 12 फरवरी 1922 में ठीक है तो 12 फरवरी 1922 में जो गांधी जी हैं उन्होंने 1922 में 12 फरवरी को ये जो नेशन वाइड जो मूवमेंट चल रहा था नॉन ऑन कोऑपरेशन इसको इसको खत्म कर दिया यहाँ पे ठीक है और काफी जो लीडर्स थे इस टाइम पे जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे जैसे सी आर दास जी मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस इन्होंने इनको ये ये दे वर नॉट हैप्पी विद विद गांधी डिसीजन ठीक है उन्होंने इस गां गांधी जी की इस डिसीजन को बिल्कुल भी वेलकम नहीं किया था उनको लगा उन्होंने कहा कि इतना बड़ा ये मूवमेंट है इतना वाइड स्प्रेड ये मूवमेंट है जैसे मैंने हमने पहले भी डिस्कस किया था शायद थोड़ी देर और चल जाता तो सिचुएशन तो हमारी हिस्ट्री में कुछ इस टाइम पे कुछ और ही आ, शायद बात होती है पता नहीं वैसे शायद ये मूवमेंट थोड़ा और चल जाता है तो स्वराज मिल जाता ओके तो ये जो मूवमेंट है ये कॉल्ड ऑफ कर दिया था गांधी जी ने ड्यू टू चौरे चौरा इंसिडेंट्स जिसपे लीडर्स के काफी ज्यादा रिएक्शन आए लीडर्स वर नॉट हैप्पी विद गांधी जी इज दिस टेक की, uh, की मूवमेंट को इस मूवमेंट को इस लेवल पर आके इस इतने पीक पे आके इतने पॉइंट पे आके इसको बंद कर दिया जाए ठीक है तो ये जो ये रहा ठीक है उसके बाद जो है जैसे ये मूवमेंट गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ किया तो गांधी जी वर पुट्टू जी को जेल हो गई थी दो साल की ठीक है छ साल की कहा गया था लेकिन दो साल के बाद इनको रिलीज कर दिया गया था 1922 में इनको पकड़ा तो 1924 में जो है गांधी जी को रिलीज कर दिया था ठीक है लेकिन इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का काफी इंपैक्ट रहा तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज एक्चुअली फेलियर हम कह सकते हैं कि इसमें विक्ट्री नहीं मिली ठीक है तो अब हुआ क्या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेकिन फेलियर तो था लेकिन इससे ब्रिटिश एम्पायर जो है काफी हिल गया ठीक है काफी बड़ा मूवमेंट था ब्रिटिशर्स को डरा दिया इस मूवमेंट ने बेसिकली और जो लोग हैं जो कॉमन मासेस हैं जो ब्रिटिश फोर्सेस से पहले डरा करते थे दे वर नॉट एफ्रेड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एनी मोर ठीक है अब उनको जो दिल दिल में जो डर था ना ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो चला गया था इस मूवमेंट के बाद ठीक है तो ये रहा आज का लेक्चर ओके okay. हमने आज काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है पहले तो खेड़ा खेड़ा सत्याग्रह के बारे में पढ़ा आफ्टर दैट वी रेड अबाउट खिलाफत मूवमेंट ठीक है देन वी डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो नाइनटीन ट्वेंटी से ट्वेंटी टू हुई और फिर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने बंद कैसे की थी थ्रू चौरे चौरा इंसिडेंट विच हैपन इन नाइनटीन ट्वेंटी टू ठीक है तो इसको अच्छे से आप रिवाइज कर दीजिए पी डी एफ आपको जो है हमारी ट्रिपल एस ऐप मिल जाएगी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए एंड आई एल सी यू वेरी सून विद इन नेक्स्ट लेक्चर टिल देन टेक केयर बु बाई कीप स्टार्टिंग